जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला श्री रामावतार की स्तुति है, जिसे नित्य पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्तुति श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड में है। आइए स्तुति का पाठ करें और इसके अर्थ को जानें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माता कौशल्या जी के हितकारी और दीन दुखियों पर दया करने वाले कृपालु भगवान आज प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले तथा सदैव मुनियों के मन में निवास करने वाले भगवान के अद्भुत रूप को निहार कर माता कौशल्या हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जिनका दर्शन नेत्रों को आनंद देता है, जिनका शरीर बादलों के जैसा श्याम रंग का है तथा जो अपनी चारों भुजाओं में अपने शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो वनमाला को आभूषण के रूप में धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र बहुत ही सुंदर और विशाल हैं तथा जिनकी कीर्ति समुद्र की तरह अपूर्णीय है, ऐसे खर नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान आज प्रकट हुए हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़कर कौशल्या माता कहने लगी, हे अनंत जिसका पार ना पाया जा सके, हम तुम्हारी स्तुति और पूजा किस विधि से करें, क्योंकि वेदों और पुराणों ने तुम्हें माया गुण और ज्ञान से परे बताया है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गा वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भययु प्रगट श्री कंता। दया करुणा और आनंद के सागर तथा सभी गुणों के धाम ऐसी श्रुतियाँ और संतजन जिनके बारे में हमेशा वखान करते रहते हैं, जन जन पर अपनी प्रीति रखने वाले ऐसे श्री हरि नारायण भगवान आज मेरा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जिनके रोम रोम में कई ब्रह्मांडों का सृजन होता है और जिन्होंने ही संपूर्ण माया का निर्माण किया है, ऐसा वेद बताते हैं। माता कहती हैं कि ऐसे भगवान मेरे गर्भ में रहे, यह बहुत ही आश्चर्य और हास्यास्पद बात है। जो भी धीर व ज्ञानी जन यह घटना सुनते हैं, वे अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसकाना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता को इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें कहते देख प्रभु मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि माता को ज्ञान हो गया है। प्रभु अवतार लेकर कई प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। तब प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा माता को सुनाई और उन्हें समझाया कि वे किस प्रकार से उन्हें अपना वात्सल्य प्रदान करें और पुत्र की भांति प्रेम करें। माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला ति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा।
प्रभु की यह बातें सुनकर माता कौशल्या की बुद्धि में परिवर्तन हो गया और वे कहने लगी कि आप यह रूप छोड़कर बाल्य रूप धारण करें और बाल्य लीला करें तो सबको प्रिय लगे। हमारे लिए यही सुख सबसे उत्तम है कि आप सुंदर बाल्य रूप में प्रकट हों। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित जोगा वही हरि पद पावही तेन परही भवकूपा। माता का यह प्रेम भरा भाव सुनकर सबके मन को जानने वाले भगवान श्री सुजान बालक रूप में प्रकट होकर बच्चों की तरह रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का यह सुंदर चरित्र जो कोई भी भाव से गाता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है और दोबारा इस संसार रूपी कुएं में गिरने से मुक्त हो जाता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों, धरती का उद्धार करने वाले गौ माता, देवताओं और संतों का हित करने के लिए भगवान श्री हरि ने अवतार लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया ताकि वे ब्राह्मण धर्म गौ सुर संत और देवताओं की रक्षा कर सके। जय श्री राम।